हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए सॉरी। आप सब ने वेट किया होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर बस कल मुझे टाइम नहीं मिला, कुछ वीडियो भी नहीं थी इतनी। तो अभी मम्मी आराम कर रही थी, मौसम ख़राब हो रहा है जैसा कि आपको पता ही है। हम घर जाने वाले थे, फिर वापस आ गए और अभी मैं नहा के लेट गई हूँ क्योंकि सारे कपड़े गंदे हो गए थे आने में, रास्ते में बारिश तो पड़ी रही थी। तो अभी देखिए हमारे, तो अभी ये वीडियो मेरा अगले सुबह से शुरू हो चुका है। मम्मी नहीं है घर पे, मम्मी गई हुई है बाहर और मैं लगा रही हूँ अभी पोछा। पोछा लगाने के बाद मुझे खाना बनाना है और फिर जाने की भी तैयारी करनी है। जो कपड़े धुल दिए थे वो सूख जाएंगे जब तक हम जाएंगे, तो उनको भी रखना है। एक दो कपड़े हमारे यहाँ पर रह ही जाते हैं, कितना भी वो कर लो। तो अभी मैं सारे पोछा लगा दूँगी। वैसे मैं सोची थी कि आज रहने देते हैं, फिर मैंने सोचा लगा दूँ, फिर मम्मी से भी नहीं लगाया जाता। तो अभी सारे में पोछा लग चुका है। बस पहले मैंने इधर से स्टार्ट किया है, किचन में भी लग गया, इधर वाले रूम में भी, और हमारी इधर गैलरी है उसमें भी लग गया। बस बरामदा बरामदा रह रहा है और एक रूम रह रहा है। तो अभी मैं फटाफट से पोछा लगाने के बाद फिर खाना बनाऊँगी। और मम्मी मेरी कहाँ गई हुई है? यहीं पर गई हुई है पड़ोस में, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन दिनों में कुछ ऐसा बनता है जिसको हमारे यहाँ जेंट्स को नहीं दिखाया जाता। उसको खाने का ही सामान बनता है, जो गांव में है वो तो सब जानती है, और जो गांव में से शहरों में रहती हैं वो भी सब जानती हैं कि क्या होता है इन दिनों में खाने के लिए बनता है। बस उसको लेडीज और छोटी बच्चियां ये खा सकती हैं, वो भी छुपा के, ना ही तो किसी जेंट्स को दिखा सकते हैं, चाहे छोटा सा लड़का ही हो उसको भी नहीं दिखा सकते। मतलब मेरा कहने का ये है कि लड़कों को नहीं दिखाया जाता हो, बस उसको लेडीज ही खा सकती हैं, लड़कियां खा सकती हैं, वो भी छुपा के, बिल्कुल भी नहीं दिखता। और समझ ही गए होंगे सब, ऐसा तो कोई नहीं जो समझा नहीं होगा। फिर मिलाई, दोबारा मिलाई। तो चलिए फ्रेंड, सारा काम काज हो चुका है, मम्मी भी आ गई थी, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, मैं भी। और अभी बच्चे पूरे खुश हो रहे थे, कल भी पैसे मिले थे जाते टाइम, आज फिर से मिले हैं दोबारा से। कल के तो इन्होंने तभी खा लिए थे उनके कुरकुरे। आज फिर कह दो बारिश होगी। कल हमारा बैग भी सारा गंदा हो गया था, बाहर से जाके धोना पड़ेगा। थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं पीछे का भी, मुझे पीछे का व्यू बहुत अच्छा लगता है। अब तो फिर भी कम है पेड़, हमारे यहाँ पे बहुत पेड़ थे पहले, बांस भी खड़े थे यहाँ पे, पर अब तो खाली खाली हो गया यहाँ। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं घर, घर जाते ही मिलेंगे। रोज वापिस आ जाओ, रोज पैसे मिलेंगे। आज तो धूप निकल गई, अब जाएंगे जलते हुए धूप में। अच्छे ना पढ़ ले।
घर आ चुके हैं और कनु भी थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा मेरे से बाद में से। तो अभी इनका हो रहा था डांस करने का मन, तो दोनों डांस करने में लगी है। गाना भी जी अभी धीरे धीरे करके कनु और छुटकी के साथ में डांस करना सीख गई है, थोड़ा थोड़ा ही सही है, सही आ जाएगा इस पर। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और शाम का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी मैं अंगीठी में आग जला रही हूँ, दूध रख दूँगी। तोरी भी काट ली है, घर से तोरी लाई थी, हमारे वहाँ बहुत आ रही हैं बेल पे, तो वहीं से लेके आई थी ताज़ी ताज़ी तोरी। तोरी बनेगी, वो मैंने काट ली है। और दीदी नीचे झाड़ू लगा रही है, कुट्टी फैल रही थी। तो अभी मैं अभी पतीली लेने के लिए आई थी दूध के लिए, अभी दूध छान के रख दूँगी। अंगीठी में आग जल चुकी है, तो उसके बाद मैं नहाऊँगी। नहाने का मन कर रहा है, गर्मी लग रही थी बहुत। तू कहाँ जा रहा? ओ मालू बाबू कहाँ जा रहा? मैं कहाँ? जहाँ लल्ला जा रहा डॉक्टर के? किसकी साथ? किसकी साथ जा रहा? ओ मोड़ के तो लगा। बाबू किसकी साथ जा रहा? मम्मी की। अरे और कौन जा रहा? बस मेरे लिए क्या लेके आएगा? आइसक्रीम? प्रॉमिस? पक्का? तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने सुबह से शुरू कर ली है। मम्मी तो लल्ला के कपड़े धो रही है, रोज ही धुलते हैं ये डेटोल डाल के। तो कपड़े धो के इनको फैला देंगे। लाइट तो काफ़ी लेट आती है, तब तक तो ये सूख भी जाते हैं। और हम भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सभी आज लगे हुए हैं क्योंकि केक अभी आने वाला है, तो उसकी भी साफ़ सफाई करनी है घर में। दीदी नीचे गई हुई हैं, वो नीचे साफ़ कर रही हैं। और देखिए किस तरह से फैली हुई है रसोई, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से करें कहाँ से न करें। अभी लगती हूँ फटाफट से, बहुत काम है आज। सारा किचन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। तो अभी मैंने सबसे पहले सोचा बर्तन उठा लेते हैं, बर्तन धोने के बाद फिर मैं अच्छे से साफ़ कर पाऊँगी किचन को। अभी बाहर भी साफ़ करना है, सारे रूम में धूल हो रही है बहुत ज़्यादा, तो सारे में ही सिंगवाना है, डस्टिंग करनी है। वैसे तो कनु और दीदी लगी हुई है नीचे, और अभी आने के बाद फिर ऊपर करेंगी क्योंकि किचन का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और कपड़े भी धुलने हैं, मशीन भी लगानी है, सारे पर्दे भी धुलेंगे। देखती हूँ अगर आज टाइम लग गया तो आज धुल लूँगी। और कहीं से आने के बाद ना मुझे फिर एक दिन तो बिल्कुल भी वो मिलती नहीं है कुछ भी कर पाऊँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम सा फैल जाता है कहीं से आने के बाद। सबसे बड़ा काम मुझे यही लगता है, कहीं जाने से पहले मैं यही सोचती हूँ कि आने के बाद फिर बहुत काम फैलता है, कपड़े भी हो जाते हैं नए पुराने, उनको धो फिर प्रेस करो, तो काफ़ी सारा काम ऐसा हो जाता है जो कि आने के बाद फिर उनके सिवा और कुछ नहीं करा जा सकता। तो इसी वजह से दीदी लगी हुई हैं कि आप अपना वो कर लो और हम तब तक डस्टिंग कर लेंगे, साफ़ सफाई कर लेंगे। कुछ बर्तन ये सुबह के ही रखे हुए थे, चाय के नीचे चाय और बादाम जाती है पापा जी की बाल्टी में रखे हुए थे, तो इनको मम्मी लेके आ गई कि कभी भूल जाओ ये रह जाएं। और ये वाली डोरी ली है हमारी, पहले वाली तो टूट गई थी, ये वाली डोरी ली है मम्मी ने यहीं से ही गाँव में ही। दीदी के लिए कढ़ाई भी ली है और एक ये डोरी। मेरे ही जाते ही सबको परेशानी का सामना करना पड़ा, मम्मी को भी टाइम नहीं मिलता था काम से और दीदी का भी, बिल्कुल सबके होश ख़राब से हो गए, इतने ज़्यादा बिजी हो गए। तो अभी मम्मी कपड़े धोने के बाद लल्ला के अभी यहाँ पे धो रही है वाश बेसन, क्योंकि वाश बेसन भी गंदी रहती है नीचे जब पानी के छींटे पड़ते हैं, तो इसको रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। मम्मी वहीं से साफ़ कर रही है। और फिर यहाँ पे कोई बर्तन भी धोया होगा इन्होंने, तो यहाँ पे पतीली की जो कालस होती है वो भी लग रही थी, इसको मम्मी स्टील के जूने से साफ़ कर रही है रगड़ के। और मैं भी अभी बर्तन छोड़ के आई थी, मम्मी कह रही थी कि देखो ये इसका हिल रहा है, वाश बेसन का ये जो पावा सा है ये हिल रहा था, तो मैंने इसको सेट कर दिया है, अभी नहीं हिल रहा। ये हिल जाता है अपने जगह से, थोड़ा सा हट जाता है अगर इसको हिला दें। और अभी मुझे मशीन भी लगानी है, लाइट आते ही देखिए कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं मशीन के ऊपर। और मैं बर्तन छोड़ के आई थी बाहर, अभी बर्तन भी साफ़ नहीं हुए पूरे, क्योंकि दूध की बाल्टी रखी है उनको रिताना है, रिता के फिर बाल्टी भी धोनी है। बहुत सारे बर्तन होते हैं इस टाइम, सुबह के टाइम ज़्यादा रहता है बर्तन का जोर। और फिर बीच में मुझे लगा कि हल्दी भी ख़त्म हो रही है डब्बे की, तो हल्दी भी कर लेती हूँ। अभी परात तो हो रही थी सूखी हुई, वो भी धुल जाएगी, तो मैं परात में हल्दी छान के उसको डिब्बे में करके परात भी धुल जाएगी, फिर पहले मैं हल्दी का काम निपटा लेती हूँ। परात ये अभी तो सूखी थी, तो मैंने सोचा चलिए साथ के साथ ये हल्दी भी छान के डब्बे में कर लेते हैं, ये भी धुल जाएगी,
और बर्तनों का सारा ही काम फिर एक साथ ख़त्म हो जाएगा। तो अभी छन्नी भी धो दूंगी मैं। हल्दी में कुछ ना कुछ मिलावट रहती है तो इसको छान के ही रिताना चाहिए। हम तो जब भी हल्दी लाते हैं इसको छान के ही रिताते हैं। अभी मैंने जो बची हुई हल्दी है उसको धूप में रख दिया है, थोड़ी देर के लिए धूप लग जाएगी तो उठा के रख दूंगी। और जितनी अभी हमें काफ़ी रहेगी वो मैंने डब्बे में कर दिया छान के, बाकी की बाद में छान लेंगे। अभी मैंने धूप में रख दिया उसे। तो ये डब्बा है, डब्बा भी बाहर से थोड़ा सा हल्दी में हो जाएगा तो इसको मैं बाहर से साफ़ कर दूँगी कपड़े से, सूती कपड़े से थोड़ा सा भिगो के, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जो परात की हल्दी है ये थोड़ी सी रह गई, इसमें मैं इसको धोन में डाल दूँगी, जो कि हम पशुओं को पिलाते हैं। खाने पीने की जो भी चीज़ होती है हम एक डब्बे में कर लेते हैं, जैसे कि चोकर या फिर सब्जी बची हुई, वो सब हम एक डब्बे में कर लेते हैं। हमारे गाय या भैंस आराम से उसको पी लेती है, या फिर हम उसको घास पर छिड़क देते हैं, सन्नी कर देते हैं, तो पशु बहुत ही आराम से और खुश होकर खा लेते हैं घास। नीचे की साफ़ सफाई करके आने के बाद अभी मोनिका के रूम की सफाई हो रही है। मोनिका मेरे वाले रूम में है। अब आगे आगे त्यौहार भी आएंगे, कनु भी चली जाएगी, डोली दीदी भी चली जाएगी और मोनिका की भी अभी हालत ऐसी नहीं है कि, तो त्यौहारों की भी सफाई अभी से ही कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाऊँगी फिर अकेली से क्या क्या होगा, बहुत काम हो जाएंगे। तो जो भी मोटा मोटा सा काम है वो हेल्प करवा के जाएंगी दीदी और ये कनु। डोली दीदी लगी हुई है बड़ी दीदी वाले रूम में, इसमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, सामान ही सामान है, बच्चे फैलाते रहते हैं। और लक्की तो ऐसा है कि छोटे छोटे से खिलौने भी अपने सिंगवा के रखे रखता है, उसको भी नहीं फेंकने देता। तो अभी ड्रेसिंग साफ़ कर रहे हैं, और अभी तो लक्की भी स्कूल गया हुआ है, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा उसको भी निकाल के अलग कर देंगे। जैसे कि उसके खिलौने हैं बहुत से ऐसे हैं जिनसे वो खेलता भी नहीं और ऐसे ही सिंगवा रखे हैं, उनको भी अलग रख देंगे, उसको पता नहीं चलेगा, वैसे पहचान लेता है वो। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आप सबको ज़रा सी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।